करवाया 3 दिवसीय इस मैच का क्षेत्रवासियों ने काफी आनंद उठाया। इमाम भाई से जानेंगे कि इस मैच को जो उन्होंने आयोजित किया उसके पीछे का मकसद क्या था और कैसी तैयारियां थी, बताएंगे इमाम भाई। जैसे कि मैडम आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, हुड़को में ये टूर्नामेंट पहली बार हुआ है, पर ये जो हमारा भिलाई सुपर लीग है ये हमारा सीज़न 3 है। हम इसके पहले सेक्टर 6 में भी करवाते थे, 2 बार हमने वहाँ पर टूर्नामेंट करवाया, तीसरी बार जब यहाँ पे देवेंद्र भैया के नेतृत्व में जो उनके सौगात पे ये जो स्टेडियम बना है जैसा आप चकाचौंध सब देख रहे हैं, और तो हम उसको देखते हुए यहाँ पे हमने सोचा एक कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट करा सकते हैं। तो भैया से हमने थोड़ा सा भैया से पूछा तो भैया ने हमें इसके बारे में बोला कि हाँ करा लो, तो हम यहाँ पे टूर्नामेंट करा रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों में भी उत्साह है और यहाँ खिलाड़ियों में भी उत्साह है और भिलाई की जो जनता है, क्योंकि हमारे इस टूर्नामेंट में हमारे भिलाई विधानसभा के लोगों को प्राथमिकता दी गई है, तो उस हिसाब से हमारे भिलाई के जो विधानसभा के जो खेल कूद के और जो क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, वो लोग इससे बहुत खुश हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहाँ की टीम भाग ली थी यहाँ पे, इसमें 5 टीम ही है। हमने इसको ऑक्शन के माध्यम से इसको रजिस्ट्रेशन पहले करवाया, 350 मेंबर्स जो थे, क्रिकेटर जो बोल सकते हो आप, वो यहाँ पे पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हमारे ऑनलाइन, फिर उसके बाद हमने उसमें ऑक्शन कराया, 5 टीमें बनाई, 5 टीम बना करके यहाँ पे उनका लीग मैच कराया। किस तरह के इनाम घोषित किए गए? इसमें इनाम की तो बहुत ज़्यादा राशि नहीं है, हमने इसको खेल को बढ़ावा ज़्यादा दिया है। इनाम फर्स्ट प्राइस 50,000 है, सेकंड प्राइस 25,000 है। जैसे शुरुआती दौर में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, ऐसा मुझे कॉल भी आए थे, क्या था? अब मैडम देखो, अब जहाँ कार्यक्रम अच्छा होता है कुछ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, लेकिन हमने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, और हम अपनी चीज़ों पर निखर कर आए हैं, यहाँ किसी को परेशानी हुई नहीं है। अब बाकी जो कुछ लोग हैं तो हम उसमें ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। ये तीसरा सीज़न था, आने वाले सीज़न में और क्या आपकी रणनीति रहेगी? मैडम तीसरा सीज़न ये है, चौथे सीज़न में हम इससे कुछ और बेहतर करने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम अब 5 टीम करा रहे हैं तो हम उस पर 10 टीम करा सकते हैं, मतलब 8 या 10 टीम उस पर बढ़ाएंगे। शायद प्राइस मनी ज़्यादा ना बढ़े, ये नहीं कहूँगा प्राइस मनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा कुछ बढ़ेगा, पर गेम का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आपने क्रिकेट को ही चुना टूर्नामेंट के लिए, भिलाई प्रीमियर लीग के लिए, क्या उद्देश्य है इसका? मैडम एक्चुअली मैं भी बचपन से क्रिकेट प्रेमी हूँ और शुरू से भिलाई सुपर लीग का मकसद ही रहा है। ये एक कोलैबोरेशन है, बालाजी एक बहुत बड़ा एक खेलकूद का एक, वो लोग भी बहुत प्राथमिकता देते हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन करके टूर्नामेंट को कराया। इससे पहले उसको कंडक्ट बालाजी ही करता था, भिलाई सुपर लीग 1, भिलाई सुपर लीग 2। हमारे कुछ छोटे भाई हैं जैसे जिम्मी है और एक चरणजीत सिंह है, ये 2 भाई हैं, इन लोग पहले कराते रहते, उन्होंने उनके बाद वो भिलाई सुपर लीग हमारे साथ कोलैबोरेट करके इसको किया है। तीसरा, चौथा और 400 सीजन भी आए, भगवान करे, ऊपर वाला करे। क्या किसी सेलिब्रिटी को कभी मिला इन्हें बुलाने का, आमंत्रित करने का सोचेंगे? हम इसमें भिलाई सुपर लीग सीज़न 4 में हम ये सोच रहे हैं, हमारी एक आपस में मीटिंग हुई है कि हम इसको एक अच्छा स्तर देंगे, हो सकता है कोई खेल जगत का, क्रिकेट जगत का कोई बड़ा चेहरा यहाँ पे लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद है, और इतना प्यार और इतना मोहब्बत जो यहाँ पे लोगों से मिला है उसके हम सभी आभारी हैं, और ऐसे निरंतर लोगों का प्यार मिलता रहेगा और हम इस खेलकूद की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने इमाम भाई, इन्होंने भिलाई सुपर लीग का आयोजन किया, ये तीसरा सीज़न था उन्होंने बताया, और आने वाले सीज़न में भी कुछ हट कर के करेंगे, टीम बढ़ाएंगे और पुरस्कार जो इनामी घोषणा भी वो भी बढ़कर कराएंगे। आने वाले दिनों में सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का या क्रिकेटर को बुलाने का भी उनका लक्ष्य है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मैं शाहीन का।